पहली मौत पूरे हिंदुस्तान में गुलबर्गा में खाजी साहब की हो गई, दूसरी मौत सुल्तान वालों की हो गई। हम सब दौड़े दौड़े गए दही वाली के पास, बोले अम्मा कैसा दही का ये माहौल ऐसा है। उन बोली देखो बाबा कुछ नहीं बोलना, वो गोल चुट्टा सिर पे रखी, जरा टोकरी उठाओ, बोली रखते ये बेंगलुरु चले गई। उनका कौन जिम्मेदारी शहर का, मैं इन हाथों से अपनों को खोया है, ये दर्द इसलिए है मैंने अपनों को दफनाया इन हाथों से, माओ बहनों से मेरे बुजुर्गों से वादा करके लाया था कि ये हमारी कौम की माँ है, आने वाले दिनों में आपके लिए आगे रहेगी। लेकिन मौका तो ऐसा मिला, जब भी परेशानी का वक्त आया मैं दूर से देख रहा था, नासिर हुसैन उस्ताद आगे है दही वाली पीछे से गए थे, कि मेरे सामने नासिर हुसैन उस्ताद एक नाम नहीं एक सोच है, एक ख्याल है इस कौम के लिए। जब मैंने सोचा नहीं अब जाएंगे तो नासिर हुसैन उस्ताद के साथ जाएंगे। मोहतरमा के साहेबजादे क्या है इकबाल खान, वो क्या है फराज खान खटका मार रहे किसको, वो मिनिस्टर की गाड़ी को साहब बोल के, अरे तू कांग्रेस के एमएलए का बेटा है तू क्या तो भी है, उसको साहब बोल के खटका मारता है। लॉकडाउन में मेरे बागबान भाई परेशान रहे, उनकी मार्केट बंद रही, लोग कहीं तो आत्महत्या कर लिए, नौजवान कभी मोहतरमा को ये ख्याल नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको एक बहादुर सूरमा तो अच्छी सोच रखने वाला चाहिए क्या एक दही वाली चाहिए। मैं पहले छोड़ा कांग्रेस, उसकी वजह मेरी मजबूरी थी, वो ये कि मैंने ये माए बहनों से वादा किया था, मेरी माओ बहनों आपको वक्त है, आप अगर वोट देंगी मोहतरमा को, ये 40 साल गुजारे हैं कब्रुस्तान के साथ, इनमें इनके 40 साल उनके 40 साल 80 साल का तजुर्बा है, ये कभी गोश्त नहीं बन करेंगी, ये कभी हमें मायूस नहीं करेंगी, ये वादा मैं ये माँ बहनों से किया था, ये वादा मैं इन शहर के लोगों से किया था। उसकी सबसे पहले मैं पहले भी माफ़ी मांगता हूँ, आज भी माफ़ी मांगता हूँ आपसे, वो मेरी गलती थी, उस गलती को माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि एक ही शख्स में काबिलियत थी, मैं समझा शायद उनके साथ उनकी अहलिया उनमें भी काबिलियत होगी, वो गलती हो गई मुझसे। उसके बाद मैंने 3 साल उनके साथ रहा, लोग पूछ रहे थे क्या भाई आप वहाँ से निकले यहाँ आए, वजह क्या थी, यहाँ से निकल के ही वहाँ गया था मैं, वहाँ से निकल के यहाँ नहीं आया, यहाँ से निकल के ही वहाँ गया था। फिर दोबारा कोई किसी ने कहा कि मेरी घर वापसी, ये गलत बात है, मैं घर में ही था कहीं और नहीं। अब इसका मतलब यह हुआ कि सीधे मैं आपको खुले अल्फाज में, लंबा टाइम नहीं लूँगा, बहुत से लोग चाह रहे थे कि मैं क्या बोलूँगा, मैं आपको बताऊँ। एक दिन एक शहर का वाकया, एक मुल्क का वाकया है, बादशाह का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद में तमाम लोग नए नए किरदार ले आते हैं, बोले ये काबिल हैं ये काबिल हैं ये काबिल हैं, इन्हें बादशाह बनाओ, बादशाह की कोई औलाद नहीं होती, तो लोग कहने लगे। बहुत दिन तक चला, उसके बाद में फैसला हुआ जो भी फजर की नमाज के बाद में इस कमान से पहले निकलेगा तो वो बादशाह बनेगा। सब लोग इंतज़ार करते रह गए, सूरज की पहली किरण के साथ एक दही वाली अपना भगोना लेकर कमान से पार कर गई, तो सब ने देखा कि अरे कैसे हो गया, अब तो वादा ये किए थे कि दही वाली को बादशाह बनाना, वो मोहतरमा तो बादशाह बन गई, इसकी वजह है मैं आपसे फिर पूछूंगा कि दही वाली कहाँ गई बोल के। अब वो आई दही वाली बैठ गई तो सब लोगों ने राय किया भाई एक ही वादा था आपका कि दही वाली को बादशाह बनाएंगे, दही वाली को बादशाह बनाए। अचानक कोविड का दौर आ गया, ऐसा दौर आ गया कि पहली मौत पूरे हिंदुस्तान में गुलबर्गा में खाजी साहब की हो गई, दूसरी मौत सुल्तान वालों की हो गई। हम सब दौड़े दौड़े गए दही वाली के पास, बोले अम्मा कैसा दही का ये माहौल ऐसा है। उन बोली देखो बाबा कुछ नहीं बोलना, वो गोल चुट्टा सिर पे रखी, जरा टोकरी उठाओ, बोली रखते ये बेंगलुरु चले गई। अरे कैसा बॉस कैसा होगा इसका गुलबर्गे का, कुछ नहीं पूछना मेरे को बेंगलुरु जाना है। थोड़े दिन गुजरे, बिल्कुल थोड़े दिन गुजरने के बाद में मसला आया गुलबर्गा में हिजाब का, कहाँ है मोहतरमा, फिर वही दही वाले मसला पड़ा, लिए टोकरा चले गए बेंगलुरु को। आखिर हद
लंबी आपको तफसील नहीं, आखिर में आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि एनआरसी का मौका आया, मोहतरमा कायम पकड़े भगोना चले गए हर वक्त। उसके बाद एक छोटा सा बीच में इसमें एडिशन है, ये उसके साथ नहीं है। मैंने मोहतरमा के साथ जब्बार डीएचओ के पास पहुंचा, वो इंचार्ज था जिम्स का। मैंने कहा आपका क्या तरीका है, हमारी यहाँ पे मौतें हो रही हैं, आप रोज़ मीटिंग कर रहे हैं डीसी के पास। वो मुझे कहता है कि आप मुझे कुछ नहीं कहना, मोहतरमा खड़ी है, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लोगों को जनाजा दफनाने के लिए, जनाजा जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, मोहतरमा से कहना, मुझसे नहीं कहना। मैं उस बात को भी मान गया, कोई बात नहीं। फिर पलट के देखा तो फिर भगोना उठा के दही वाली चले गई। अगर कहूँगा कौन जिम्मेदार इस शहर का, मैं इन हाथों से अपनों को खोया है, ये दर्द इसलिए है मैंने अपनों को दफनाया इन हाथों से। लेकिन एहसास किसको, एहसास उन्हें होना चाहिए। मैं ये माओ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से वादा करके लाया था कि ये हमारी कौम की माँ है, आने वाले दिनों में आपके लिए आगे रहेगी। लेकिन मौका तो ऐसा मिला, जब भी परेशानी का वक्त आया मैं दूर से देख रहा था, नासिर हुसैन उस्ताद आगे है, दही वाली पीछे से गायब है। अगर कैसा करना दही वाली का, अगर कैसा करना, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि सब कुछ के बाद में लोग अक्सर पूछ रहे थे मुझसे, तुम्हें वापिस आने की क्या ज़रूरत पड़ी। मेरे दिल में ख्याल था इस शहर के लिए एक सोच चाहिए, तो मैंने सोचा कौन सी ऐसी सोच हो सकती है। तो दोबारा मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मेरे सामने नासिर हुसैन उस्ताद एक नाम नहीं, एक सोच है, एक ख्याल है इस कौम के लिए। जब मैंने सोचा नहीं अब जाएंगे तो नासिर हुसैन उस्ताद के साथ जाएंगे। उसके बाद नासिर साहब ने मुझसे पूछा कि आपको क्या अहदा चाहिए। मुझे अहदा, आपको अहदा मिल गया, मैं आपके अहदे के, मेरा ही वो अहदा रहेगा। क्यों, अगर आप जीत जाएंगे इस कौम की खिदमत करेंगे, अब मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कौम की खिदमत, आप नौजवान हैं, मैं आपके साथ रह सकता हूं, मैं आपकी लकड़ी बनूं या आप इस कौम का सहारा बनेंगे, ऐसे लोगों के लिए ही ये वक्त आ गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको एक बहादुर सूरमा अच्छी सोच रखने वाला चाहिए क्या, एक दही वाली चाहिए, हाथ उठा के बताओ। इसी जगह पे मैंने तुम्हें हाथ उठाने लगा, क्या बात है, आप लोगों को दही वाली चाहिए, हाथ उठाओ, कोई बात नहीं है, खौफ किस बात का है, उठाओ, तुम्हें क्या चाहिए, बहादुर सिपाही चाहिए, दही वाली चाहिए। बहुत अच्छे भाइयों, मैंने यही सोचा था क्योंकि माजी में जो हालात गुजरे हैं हम पे, माजी में जो हालात गुजरे हैं, मेरे भाइयों ने आपको एनआरसी का बताया, हर चीज़ का मेरे भाइयों ने आपको तफसील बताया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मेरे भाइयों ने बताया एनआरसी में मोहतरमा से बात कर दी, मोहतरमा के पास सबसे बड़ी परेशानी गुत्तेदार हैं, मोहतरमा के गुत्तेदार हैं, जो फौरी वो चुंगल उसके सर पे रखते हैं, वो भगोना रख के बढ़ा देते हैं। मोहतरमा की कोई गलती नहीं, मोहतरमा के गुत्तेदारों की गलती है। ये इस बात का एहसास, मैं क्यों माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे, ये मैं ही था आपको बोला था, ये हमारी कौम की माँ है, कौम की माँ मैं ये ख्याल में बोला था खमरुल इस्लाम के, लेकिन मुझसे वो गलती हो गई थी, इसका मैं माजरत खाऊं। अब आपको फैसला करना पड़ेगा, क्या आपको एक बहादुर आदमी चाहिए या एक ऐसी औरत चाहिए जो आपके लिए, खुद अपने लिए नाकारा है, खुद अपने लिए नाकारा है, वो आपके लिए क्या कर सकती है। ये बात, दूसरी बात, एक मुस्लिम चौक की, ये बोलकर अपना मुख्तसर सा बयान ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को पता है कोविड के दौर में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गोविंद कारजोल आया था, आपको पता है ना, है या नहीं, जरा बोलो मेरे को, सुने आना, गोविंद कारजोल आया, आकर यहाँ शामियाना मारे, लोगों घर में खाना नहीं है, शामियाना मारे, कोई बात नहीं, मारे तो मारे बोले। उसके बाद में कार लेके सब मिल के आए, यहाँ पे मेरे एक अजीज दोस्त, मैं नाम नहीं भी लिया तो आप समझ जाते, अजीज दोस्त खान साहब ठहरे थे, गोविंद कारजोल आया, उन्होंने उससे पूछा क्या खान साहब अच्छे हैं क्या, बोले तो जी रहे साहब आपके राज में, बोले तो उसको गुस्सा आया, कैसा बोल रहे राज में बोल के। आए थे यहाँ पे, कोविड थी ऊपर, मोहतरमा पीछे स्क्वाड की गाड़ी के वैसा गाड़ी लगा के आए, आके जब बात करे
वो गोविंद गार्जोल को गुस्सा आया, गाड़ी में बैठा चला गया। उसके पीछे मोहतरमा की गाड़ी, स्क्वाड की, पुलिस की गाड़ी के वैसा गाड़ी में बैठ गए। वो मोहतरमा के साहेबजादे क्या है इकबाल खान, वो क्या है फराज खान, खटका मार रहे किसको, वो मिनिस्टर की गाड़ी को साहब बोल के, अरे तू कांग्रेस के एमएलए का बेटा है, तू क्या तो भी है, उसको साहब बोल के खटका मारता है। अरे हम कैसा बहादुर बोल के जिताए थे, ये क्या साहब बोल के। थोड़ी देर बाद में उन्होंने चले गए, मोहतरमा भी गाड़ी में बैठ के चले गए। उसके बाद में ये बहादुर शाह जफर आ गए, इन्होंने अपना जितनी ताकत थी लगाई और लगाकर यहाँ पे पुलिस वाले ऊपर नहीं गए, मोमिनपुरा के लोग मरे क्या, क्या हुआ, खाने को है क्या, नहीं दफनाए कैसा, नहीं पूछे, वापिस चले गए। मैं जो रमजान का वक्त था, मैं शाम में फराज से पूछा, फराज खान साहब कैसा हुआ ये बोल के, तो मैं बोला आप क्यों नहीं रुके, आप तो कांग्रेस के थे, खान साहब के साथ रुक कर वो बीजेपी के लोगों से आप क्या हुआ भाई, रहने दो पुलिस वाले साहब, ओ पुलिस वाले साहब बैठो बैठो, आप कुछ भी नहीं हो रहा, लाइन में बिठा रहे उन्हें, बैठ जाओ, कुछ नहीं है, लाइन से बिठा रहे। रास्ता कमज़ोर हो गया, लोगों में ज़्यादा शहूर आ गया, लोग बहुत ज़्यादा आ गए, इनको उम्मीद नहीं थी इतने आएंगे बोल के, बहुत ज़्यादा आ गए। ये चाहत है नासिर हुसैन उस्ताद के लिए और कुछ नहीं, ये तब्दीली का पैगाम है, ये जो लोग आए हैं ये तब्दीली का पैगाम है। तो मैंने पूछा क्या बात है भैया, आपने रुक कर वो मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, तो वो फराज खान मुझसे कहता है भाई आप कैसी बात कर रहे, ये डिप्टी सीएम है, ये डिप्टी सीएम है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, हम खान साहब के पीछे गए तो काम कौन देंगे, आप पूछ रहे क्या, पूछ रहे काम कौन देगा, ये आदमी आपके लिए पूरे दिन मेहनत कर कर आपको जिताया, आपके लिए मोमिनपुरे में खड़ा रहा, वो उसके खिलाफ जाकर पूछ रहे हैं कि काम कौन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको भी इस्तेमाल करेंगे, कौम को भी इस्तेमाल करेंगे, मसला मेरा हल होना। आप अक्सर मिसाल सुने होंगे, वो जो बचपन में मैं सुना था आप भी सुने होंगे, बच्चा मुक्का रहता कहते कुछ नहीं बोलता, कहते औरता मेरे से बेहतर मालूम है, नहीं बोलिया नहीं बोलिया, तो आखिर में बोलता पहली बार बोलिया, कहते पहली बार बोलने लगा तो भी अम्मा मरो अब्बा मरो बोले, आ गए थे मोहतरमा ऐवान में पहली बार बोले तो गुत्तेदारी की बात करे, लाइटा नहीं आ रही उसके कब करते कमीशन 10% कब मिलता, बीजेपी 40% में, कांग्रेस 10% में, हम बोले ऐसे बहादुर को लाओ, अभी आप मोटरसाइकिल में बिठाओ आपके मोहल्ले को चले जाते, ऐसा बहादुर चाहिए, ऐसा बहादुर चाहिए। मैं इसलिए यह तफसील बताने का मकसद ये था कि लोग पूछ रहे थे आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा, कांग्रेस छोड़ने की वजह ये थी और कोई वजह नहीं, आपकी मोहब्बत में कांग्रेस छोड़ा, अगर मैं आपकी मोहब्बत में कांग्रेस नहीं छोड़ता तो गुलबर्गे के पूरे मस्जिद में मेरे लिए दुआ नहीं होती, लोग बद्दुआ देते कि ये वादा करके। आज इधर देखिए आप, पहली चीज मोमिनपुरे में गोश्त बंद हो गया, गाय का गोश्त बंद हो गया, मोहतरमा की जबान से एक अल्फाज नहीं निकला। इधर बाजू लॉकडाउन में मेरे बागबान भाई परेशान रहे, उनकी मार्केट बंद रही, लोग कई तो आत्महत्या कर लिए नौजवान, कभी मोहतरमा को ये ख्याल नहीं है, मोहतरमा को इस बात का ख्याल है, मोहतरमा के गुत्तेदारों को इस बात का ख्याल है कि अगर मैं मोहतरमा को आगे रखूँगा तो मेरे को एक कुत्ता मिलेगा 10% मेरे घट है, कि इस तरह से कौम का फायदा होगा नहीं होगा, क्यों, अगर मोहतरमा चाहती अपनी एक साल की कमाई पहले का लॉकडाउन में पूरे गुलबर्गे के गरीबों में बटाती तो मैं समझता कि मोहतरमा को पैसे की ज़रूरत है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है आज भी कि मोहतरमा को पैसे की ज़रूरत है। ये देखिए ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं, अलहाज खमरुसलाम साहब इतना रख के गए हैं कि अब आता हुआ पैसा ये कौम में बगैर बांट देती तो मैं समझता हूँ शायद ये कौम को फ़ायदा होता, लेकिन आने वाले दिनों में अब जिन जो हालात से हम गुजर रहे हैं बहुत परेशानी के हालात है। आज वाकई अभी किसी ने कहा अलंद का मामला, किसी ने NRC का कहा, किसी ने दिल्ली लेके गए आपको, लेकिन एक बात यकीन से कहूँगा कि आज किसी में वाकई
आपके आगे ठहर के अपना सर कटवाने की ताकत है तो वो है एक नासिर हुसैन उस्ताद। ये ऐसा ख्याल है कि अगर कोई सोचता भी है कि मैं नासिर हुसैन उस्ताद के आगे या पीछे खड़ा रहूं, ये जरूरी नहीं है। आप ना कुर्बानी दें, कुर्बानी देने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद आपसे आगे खड़ा रहेगा। शायद वो पुलिस रहे, वो BSP रहे, बजरंग दल रहे, कोई भी रहे, ये सबसे आगे खड़े रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ सुनकर घर को गए, भाई अच्छा बोले बोल के सुन के जाना नहीं है आपको, अल्लाह की कसम ये याद रख लेना, यहाँ से जाओ तो सबसे पहले अपने बीवी बच्चों को बताओ कि आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमें ये हम ये इरादा करे हैं कि एक नौजवान लीडर नासिर हुसैन उस्ताद को अगले टाइम हम वोट देना है। ऐसा वोट नहीं देना है, ये लोग खड़गे, अजय सिंह, चरण प्रकाश पाटिल, ये सब लोग मिलके लाइन से ठहर के एक डब्बे में लाखों रुपए राम मंदिर का कलेक्शन करने के लिए, बड़ी फोटो है सौंप देता हूँ आपको, मैं अभी नहीं देता हूँ बाद में देता हूँ, ये बताकर हमारे वोट लेकर हमारे इससे पैसा कमाकर इन्हों ले जाके वहाँ भर्ती कर रहे। हमारे को क्या दिए, इस मुल्क को क्या दिए, इस शहर को क्या दिए, कुछ नहीं सिवाय डकियानूसी बातें। मैं एक और बात बोलना भूल गया कांग्रेसों के बारे में, गौर करिए, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज मौका ऐसा मिला है कि बहुत दिनों बाद इंसान को तौबा की ज़रूरत है। मैं ये तौबा के लिए बातें कर रहा हूँ, मैं ये बातें तौबा करने के लिए कर रहा हूँ, आपसे माफ़ी मांगने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ बहुत तकलीफ़ है मुझे। सबसे बड़ी बात, 25 साल से कांग्रेस जी को बोलना नहीं आता था, बात नहीं कर सकता था। किसी ने कहा कि DK शिवकुमार जमीर अहमद के फॉलोअर्स को जलील व खार करा, इसके बावजूद वो आदमी 25 साल से कभी नहीं बोला। जब मैं बैठ दिया तो वो वापिस बैठ दे के बोलता है ऐसा क्या भी नहीं हुआ, बोलता ये अंदाज़ा लगाओ मुसलमान कांग्रेस में जा। हाँ बोल भाई, सीधे सीधे वाहिद अली वाते खान जरा हिचका के बोलते हैं उन्हीं के बारे में। मेरे खायद ने मुझसे कहा कि पब्लिक मासूम है, समझ नहीं सकती। मैं जानता हूँ मेरे लोग मासूम हैं, जिन हालात से ये गुजर रहे हैं इनको इल्म है। आज ये जो आए हैं तमाम लोग, अगर आप ये नेशनल पे करते इससे ज़्यादा लोग आते, लेकिन मेरे बाप भी बहुत लोग हैं। मैं फिर मिलूँगा, मुझे एक आदमी ने नसीहत की, इम्तियाज़ भाई सब आज ही बोल दोगे तो बाद में क्या बचेगा। मैं आपसे, आप मुझसे वादा करना है, आप मुझसे कोई आपसे चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। आप घर जाके अपने अहले खाना से, आपके ख़ानदान से ये जिक्र करेंगे कि आने वाले दिनों में एक मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है। बोलोगे आप, बताओ हाथ उठा के, आज ये वक्त आ गया है मुसलमान ये ताबित करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ना हो, मेरे भाई हिंदू मेरे भाई हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, मैं ये कभी मज़हब को बीच में नहीं लाता। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, आप सब इधर भी ठहरे हुए सब लोग गुलबर्गे के सब के उठर है, हाथ उठाओ एक बार मेरे तसल्ली के लिए उठाओ कि नासिर हुसैन उस्ताद ही हमारा अगला लीडर है। उठाओ अम्मा, तुम लोगों को क्या हुआ है, उठाओ, तुम्हारा भाई बेटे के वैसा हूँ, उठाओ, मैं जाए देखना चाहता हूँ। मैं और एक बार, सब कुछ तो हो गया है, अल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद मौका देगा, और भी बातें हैं, एक साथ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी सांस चढ़ रही है। मेरे साथ एक बार JDS जिंदाबाद बोलिए जोर से, JDS नासिर हुसैन उस्ताद, JDS कुमार स्वामी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, शुक्रिया।